हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग AIB एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, उसका 19 का आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल की सीरीज चलाई जा रही है। अभी तक आप लोगों ने 4 सीरीज को देखा। आप लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BNSS और CPC की सीरीज जा चुकी है। आज आप लोग के बीच में जो स्टडी मटेरियल सीरीज नंबर 5 है, उसमें आपको जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि 24 नवंबर 2024 को आप लोगों का AIB 19 का एग्ज़ाम है, और एग्जामिनेशन में जनरल और OBC कैंडिडेट को 45 नंबर पाना ज़रूरी है आउट ऑफ 100 में। जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, बिलोंग करते हैं, उनको 40 नंबर पाना ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट आप लोग के इवेंट्स ये बताना है कि जो AIB 18 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया था। इन द सेंस कि 51% जितने टोटल स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था, उसका 51% स्टूडेंट फेल हो गए थे और 49% स्टूडेंट पास हुए। इसमें देखिए, केवल आप लोग को पास और फेल होना है, इसमें कोई डिवीज़न और परसेंटेज नहीं रहता। तो आप लोग के लिए एग्जामिनेशन दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। इसी को सरल बनाने के लिए आप लोग के लिए स्टडी में फ्री स्टडी मटेरियल YouTube पर चलाया जा रहा है। इसका 5वां आप लोग का जो वीडियो है, आप लोग के सामने जा रहा है BSA। इसको हम लोग देखें कि BSA को हम लोग कैसे छोटे फॉर्म में पढ़ें, ताकि हम लोग को जल्दी से जल्दी जो BSA से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम कर सकें। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। कि देखिए, ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। इसमें केवल लॉ के इवेंट्स जाते हैं, जुडिशरी की, APO की, हायर जुडिशियल की, AIB की, कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है आपको बताया जाता है, उसका सिलेबस बताया जाता है, पेपर हो जाता है, उस पेपर को एनालाइज किया जाता है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर देखिएगा परीक्षा रिफ्रेशर का, कि जो AIB 18 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आप लोग को पेपर को एनालाइज किया गया था। तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको एक जगह पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। आप लोग बस क्या करें, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट जरूर लिखा करिए, और आप ये भी लिखा करिए कि आपको आगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपकी ही डिमांड को पूरा करना हमारा मेन मोटिव होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग AIB के जो 19 का एग्ज़ाम होने जा रहा है 24 नवंबर को, इसमें हम लोग BSA से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ें, ताकि हम लोगों का जो BSA से क्वेश्चन है वो निकल जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, जो BSA है नया बनकर आया है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसमें 170 सेक्शंस हैं, 170 धाराएं हैं, 4 पार्ट्स, इसको 4 भाग में विभाजित किया गया है, 12 चैप्टर है, और पहली बार BSA में एक शेड्यूल्स भी बनाई गई है। देखिए, जो इतना बड़ा ये पेपर है, इसको आप लोग के लिए हमने समराइज़ किया है, छोटा किया है, ताकि आप लोग उसमें जल्दी से इसको पढ़कर BSA से रिलेटेड क्वेश्चन कर सके। तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, आप लोग के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सेलेक्ट किए गए। डियर स्टूडेंट, 30 सेक्शन को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। इसके बाद आपकी इच्छा होती है, आपके पास टाइम बचता है, आप अलग से पढ़ लो। क्योंकि देखिए, जो हमने ये सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की है, हमारा मेन मोटिव है कि 8 इंपॉर्टेंट पेपर्स को आपको पढ़ाएंगे, इम्पॉर्टेंट सेक्शन बताएंगे, और उसमें आपको 70 नंबर कम से कम दिलवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक रिपोर्टेड आपके नंबर रहें। क्योंकि देखो, जब आप 70 नंबर के ऊपर पाए रहेंगे, तो आप आगे आपको वकालत करनी है तो एक अच्छे एडवोकेट रहेंगे, आपको APO की तैयारी करनी है, आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो आपका एक बेस मजबूत रहेगा, तो आपको APO और जुडिशरी की तैयारी करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप उसको आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए उन मेजर पेपर्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे आपको आगे के फ्यूचर में भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से 30 इंपॉर्टेंट सेक्शन को परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में सेलेक्ट किया है, जिसको पढ़ना आपके लिए BSA में बहुत ज़रूरी है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 1, 2, 4, 7, 9, 15, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 4, 7, 9, 15, 23, 24, 25 और 26। फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, 39, 46, 47, 51, 56, 74, 92, 104, 102, 124, 138, 146,
162 169, 39 46 47 51 56 74 92 104 121 124 138 146 162 169। ये आपको जरूर और जरूर पढ़नी है सेक्शन। देखिए इस बार शेड्यूल्स जोड़ा गया है अनुसूची। शेड्यूल्स में दो टेबल दिया गया, टेबल ए टेबल बी। ये कहा गया कि जो फॉर्मल विटनेसेस आएंगे उनके लिए टेबल ए होगा, औपचारिक साक्षियों के लिए जो इनफॉर्मल विटनेसेस आएंगे, एक्सपर्ट्स वगैरह आएंगे, उनका टेबल नंबर बी है। उसमें बाकायदा प्रोफार्मा दिया गया है कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल विटनेसेस आएंगे किस प्रोफार्मा में उनको क्या क्या चीज़ बोलना है, ताकि उसकी एविडेंशियल वैल्यू मजिस्ट्रेट को या सेशन कोर्ट को निकालने में आसानी रहे। तो टेबल ए टेबल बी शेड्यूल्स में जोड़ी गई है, जिसका मोटिव है फॉर्मल इनफॉर्मल विटनेसेस को एक प्रोफार्मा के तहत अपना स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कराने के लिए कहा जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस पर जो आप लोग के लिए नया क्रिमिनल लॉ है, इसमें आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल रेडी किया गया, 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ। तीनों जो क्रिमिनल्स लॉ है, BNS, BNSS और BSA, तीनों के MCQ को मर्ज करके 3-in-1 एक बुक आप लोग के लिए पब्लिश की गई है, जिसका स्क्रीन शॉट लगा हुआ है आपके सामने। इसमें आपको 1200 क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। ये डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी में भी इंग्लिश में है। इसके आप अगर MCQ को सॉल्व कर लेते हैं तो जो आप लोग का AIB 19 है इसमें 26 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे। जो स्टूडेंट APO की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, HJS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद जो AIB के आप लोग के लिए गाइड है, जिसमें सारे MCQ दिए गए, मॉडल पेपर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए, वो आप लोग को सामने लगा हुआ है। इन दोनों किताबों को मिलाकर आपको पढ़ना है। कैसे ये दोनों बुक मंगाएं, ये दो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिखकर हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे और लिख देंगे कि हमें AIB की दोनों किताबें चाहिए। तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उस QR कोड में आपको 799 की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, 799 रुपये। फिर आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर आपकी बुक आपको रजिस्टर पार्सल से भेज दी जाएगी। अब देखिए जो स्टूडेंट जुडिशरी की, APO की, हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ का मेंस का नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश हो गया है, BNS, BNSS और BSA। एक एक बुक में आप लोगों को 40-40 क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। बहुत ही यूनिक किताब आप लोग के लिए रेडी की गई है। इसके बाद जो जनरल स्टडीज़ स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आती है, जो स्टूडेंट को जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी है, उनको 6 वालों में हिंदी मीडियम में और 6 वालों में इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ तैयार की गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट, ये हिंदी मीडियम में, इसी का इंग्लिश मीडियम भी लगा हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, नेशनल मूवमेंट। देखिए इंटरनेशनल लॉ पे नोट्स आप लोग के लिए आ गए हैं, PPA पर नोट्स आ गए हैं आप लोग के लिए, जुरिस्प्रूडेंस पे आप लोग के लिए नोट्स आ गए हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, CPC पर, और एक बुक बहुत अच्छी आप लोग के तैयार की गई है, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। इसके बाद भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, हिंदू लॉ, मोहम्मदम लॉ पर भी आप लोगों के लिए नोट्स आ गए हैं, आप लोग इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। कैसे मंगाएं, वही तरीका, ये दो व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी नंबर पर आप किताब का नाम लिखेंगे और अपना पूरा पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, और जब आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा तो QR कोड जाएगा, प्रिस्क्राइब फीस को आप जमा करेंगे, इसके बाद आपके द्वारा बताए गए एड्रेस पर रजिस्टर पार्सल आपके पास जाएगा। थैंक यू माई डियर। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें, पिछले एक साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर, सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मौक लिए थे, और तीनों स्टेज पे हमें हमारी
जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उसका मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पर जो आपकी मदद रही उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिक्वायरमेंट थी ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहां से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। परीक्षा डिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं एक सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार कहता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लाउ रिफ्रेशर के बारे में पता चला, सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डाटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डाट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो एक जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, आपने बोला 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। तो सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर, अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।